सदर मुमलिकत को आज कौमी असेंबली तहलील करने की समरी भेज देंगे। निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से कल मुलाकात होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में अलविदाई खिताब, कहा आज एक पार्टी लीडर को सजा मिली है तो हमें उसकी खुशी नहीं है, ये मिठाई बांटने और खाने की बात नहीं है, 9 मई को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। निगरान वजीर आजम का कुर्रा किसके नाम निकलेगा, मुशावरत का फाइनल राउंड शुरू। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार, जलील अब्बास जिलानी की पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। जलील अब्बास जिलानी का नाम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ किया। निगरान वजीर आजम के लिए जलील अब्बास जिलानी के नाम पर इतफाक हो गया, पीपल्स पार्टी का दावा। पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम पर कोई समझौता नहीं होगा, किसी सूरत अम दाव पर नहीं लगने देंगे, हमारा काम पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा और अम बहाल करना है, कुरान मजीद की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफर तमाम, भारत ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया, कौमी टीम को भारत ने 4-0 से शिकस्त दी।